डीएम अमेठी मुरादाबाद के नारों से गूंजी तिलोई। न्यायालय संचालन को लेकर सड़कों पर उतरे अधिवक्ता वकीलों की हड़ताल से वादी व फरियादी मायूस। खबर अमेठी की तहसील तिलोई से है, जहां मुख्यालय गौरीगंज में दीवानी संचालन को लेकर अधिवक्ता सड़कों पर उतर पड़े और डीएम अमेठी मुरादाबाद के जमकर नारे लगाए, जिससे तहसील में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अधिवक्ताओं की हड़ताल से वादी व फरियादी मायूस होकर घर लौट गए। बता दें कि 2010 में अमेठी को जिला का दर्जा प्राप्त हुआ। 2012 में 17 कर्मचारियों के साथ जिला जज प्रशासन को दीवानी न्यायालय भवन बनवाने व उसके संचालन के लिए सरकार ने नियुक्त किया था, लेकिन 10 साल बाद भी न्यायालय का न बन पाना और वहां दीवानी का संचालन न होना डीएम की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाने के लिए पर्याप्त है। जिला बार एसोसिएशन अमेठी के जिलाध्यक्ष छोटेलाल तिवारी व तहसील तिलोई अरविंद कुमार शुक्ला ने डीएम मुकेश कुमार मिश्र पर आरोप लगाया कि अधिवक्तागढ़ ज्ञापन देने गए तो डीएम हम सबको देखकर बिना ज्ञापन लिए अपने कमरे से बाहर निकल गए, जिसने समस्त अधिवक्ता अपमानित व शर्मसार हैं और डीएम के कृत्य की पुरजोर निंदा करते हैं। तिलोई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला, एडवोकेट पवन शुक्ला, एडवोकेट राजू दुबे, एडवोकेट विपुल सिंह सहित प्रदर्शन में शामिल वकीलों ने एसडीएम तिलोई फाल्गुनी सिंह को डीएम अमेठी को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। वकीलों ने अमेठी डीएम मुरादाबाद हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा नारे लगाए और अगले आदेश तक सभी वकील न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। अमेठी से रमेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।